धार्मिक नगरी पुष्कर में पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते मर्यादाएं तार तार हो रही हैं और पाक स्थानों को नापाक करने की कोशिशें जारी है। लंबे समय से पुष्कर में पालतू सुअर परेशानी का सबब बने हुए हैं। अब तो हालात इस कदर बिगड़ने लगे हैं कि हर तरफ सुअरों के आतंक से लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। स्वामी न्यूज ने अपने कैमरे में सुअरों के इस तरह के तांडव को कैद किया, जिससे हर किसी का दिल पालिका को पानी पी पी के कोस रहा है। मानव के जीवन के बाद जिस स्थान से उसे अंतिम विदाई दी जाती है, वहां पर भी चप्पे चप्पे पर सुअर विचरण करते देखे जा सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि स्मशान के चारों तरफ घूमने वाले यह पालतू सुअर न केवल इस पवित्र स्थान को दूषित कर रहे हैं, बल्कि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। बड़ी बस्ती स्थित कैलाश भूमि में पुष्कर सहित अन्य गांवों से लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह सुअर क्रीड़ा करते देखे जाते हैं, उसको जरा आप भी देखिए। ये तो अभी भौतिक बात है, सुअर आ रहे हैं तो ये तो अभी डिस्टर्ब ही है। बाबा लोग रहते हैं, खाना पीना खाना हरे के लिए समस्या ही है, नॉट फॉर मी यू नो, फॉर एवरीबडी। और समस्या नहीं है यहाँ तो, ये इतनी भूमि है कि पूछो मैं, यहाँ जब मैंने एकदम डट ही था बिल्कुल, फिर चूना कराया, ये कराया, फिर ये सुअर तो इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि ढेर दिन भर चलते रहता है। तो कहने का मतलब ये धार्मिक स्थल पर तो कम से कम मन लोगों को इतने ये होना चाहिए ना, रिलीजियस प्लेस, यू नो दिस इज नॉट फॉर दिस ऑल, so you have to be controlled for that, you know, this is very important for people. For me it's not problem, you know, I am just relaxing. ये मेरी समस्या नहीं है, ये public की समस्या है, वातावरण की समस्या है, and they have to think about these local people, what they're doing here, you know. इन पलों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि पालिका कितनी संवेदनशील है और किस तरह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरी यहाँ मोबाइल की दुकान है मेन रोड पे, और मैं हमेशा देखता हूँ यहाँ पे आने वाले यात्रियों को सुअरों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार राहगीर कई दुर्घटनाओं से चोटिल होते हैं, और इससे कई बार हम दुकानदारों ने यहाँ के प्रशासन को अवगत कराया कि सुअरों को कुछ किया जाए, क्योंकि इससे कई बार जो यहाँ आते हैं श्रद्धालु उनको कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे भी बढ़कर हैरानी की बात यह है कि नागपहाड़ में स्थित पंचकुंड, जहां पर पांच पांडवों के कुंड हैं, यहां पर रोजाना श्रद्धालु जिन कुंडों से आचमन करते हैं, उन कुंडों को भी सुअर दूषित कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ियों की शोभा बढ़ाने वाले मोर, कबूतर और बंदर भी सुअरों के आतंक से भयभीत हैं। श्रद्धालु जो दाना पानी इन पक्षियों को डालते हैं, सुअर उस दाना पानी के साथ पक्षी का भी शिकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सुअरों ने गोमुख स्थित पवित्र समाधियों को भी खुर्द बुर्द कर दिया है। चाहे रिहायशी इलाके हों या राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर मुख्य बाजार, हर तरफ सुअरों के अस्थायी कैंप्स बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद पालिका प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए है? यदि पुरोहितों की बात पर विश्वास किया जाए तो पालिका प्रशासन और सुअर पालकों के बीच समझौता हो रखा है, इसलिए सुअर खुले आम घूम रहे हैं। कर धार्मिक नगरी होने के साथ साथ यहाँ के जितने दर्शनीय स्थल है, परिक्रमा मार्ग है, शमशान स्थल है, ऐसी कोई जगह पवित्र जगह नहीं रही है जहाँ सुअरों का जमावड़ा इस कदर नहीं हो गया है कि वहाँ आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है। और इस तरफ कई बार नगर पालिका का और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया जा चुका है, पर लेकिन न जाने ये लोग किस कारण से, किस इनकी आंतरिक इनके सुअर पालकों से कैसे समझौते इन्होंने कर रखे और क्या इनकी बीच में बंदरबांट है, उस आड़ में पूरे पुष्कर को ये अपवित्र और नष्ट कर रहे हैं। और जगह जगह मतलब सुअरों का, आज यहाँ आज पचकुंड में हम खड़े हैं तो पचकुंड और ये गौमुख जैसी पौराणिक और धार्मिक स्थली पर सुअरों का देखो कैसा जमावड़ा, सुअर यहाँ कबूतरों को, मयूरों को, गायों को, जो लोग यहाँ फल फ्रूट वगैरह डालने आते हैं या कोई भी सामग्री डालने आते हैं उनसे, उनके बीच में ये उनको कितना परेशान करते हैं। और कबूतरों तक का तो ये शिकार तक जाते हैं यहाँ, और तीतरों का, कबूतरों का और मोर पे ये हमला कर देते हैं। नगर पालिका में जो ऐसा जो इंस्पेक्टर है, सफाई इंस्पेक्टर, उसकी अनदेखी से, उनकी मिली भगत से, उन्होंने जो ये पशु जो सुअर पालक है उनसे मिली भगत करके
और यहाँ ऐसी ऐसी जगह पे सुअर पाल रहे हैं और सुअर के वजह से ये धार्मिक कुंडों की जो पवित्रता नष्ट हो रही है। ये जो सुअर है, ये सुअर यहाँ धार्मिक कुंडों में विचरण कर रहे हैं, कबूतरों का जो दाना डालता है उसको ये चूकते हैं, और जो मोर है इन पे हमला करते हैं, पशु पक्षियों पे, कबूतरों पे हमला करते हैं। ये सारी मिली भगत नगर पालिका का जो सफाई कर्मचारी इंस्पेक्टर है उसकी मिली भगत से ये सुअर पालक यहाँ सुअरों को पाल रहे हैं। ये सारी मिली भगत बंद होनी चाहिए और सुअरों को यहाँ से हटाना चाहिए। पिछले 6 महीने से अगर सुअरों को भयंकर आतंक हो चुका है। मैंने लोगों को लगता है कि पुष्कर ग्रामीण, पुष्कर कस्बे के पूरे सुअर इसी क्षेत्र में छोड़ दिए गए हैं उनके मालिकों द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र में हरियाली होती है, पेड़ों की जड़ें होती है, इन सुअरों को कुछ खाने को नहीं मिलता। तो ये जो जंगलात के द्वारा जो पेड़ लगाए गए हैं वन विभाग के द्वारा, उनकी जड़ों को खाते हैं और उनकी जड़ों को खाने के बाद में 2 दिन बाद सोते हुए पेड़ खराब हो जाता है और सूख जाता है, और यहाँ के आसपास के लोग सूखे पेड़ काट के उसको समझ के ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र के अंदर। और ये देखिए आप, ताजा कुंड में पानी भरा है, अभी अभी सुअर इस कुंड में से पानी पी के गया, जिसमें यात्री आचमन करते हैं उसमें सुअर पानी पी रहे हैं। तो प्रशासन को 2-3 बार हमने बता भी दिया था कि भाई सुअर हमारे पुष्कर इस पचकुंड क्षेत्र में सुअर को हटाइए, धार्मिक स्थान है और यहाँ बड़े बड़े तीर्थ साधु महात्मा वगैरह आते हैं ध्यान वगैरह करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ कबूतर को मोरों को दाना डालते हैं, इसलिए वो दाना खाने से आते हैं और कुंडों की गंदी वगैरह करते हैं, और बंदर का भी दाना, ये बंदर को भी खाने नहीं देते हैं, और आए जो यात्री को परेशानी होती है, क्या कोई स्नान वान पूजन पाठ करते हैं, ये गंदी वाला रहते हैं उनके छींटे पड़ते हैं, कुंडों का भी पानी पीते हैं, ये पांचों कुंडों पे चारों तरफ घूमते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। आपकी नज़र में नगर पालिका क्या कर रही है? नगर पालिका कुछ नहीं बोल रही है इधर, कुछ नहीं कर रही है इधर, नगर पालिका बोलते हैं कुछ भी नहीं है, रोड भी खराब पड़ा है, समस्या बहुत भारी है इधर। दूसरी तरफ पालिका के अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा का कहना है कि पालिका प्रशासन पूरी तरह इस समस्या के समाधान के प्रति कटिबद्ध है। पालिका ने 5 सुअर पालकों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि गुरुवार से सुअरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सुअरों की रोकथाम और पकड़ के लिए हमने जो 5 सुअर पालक हैं उनके विरुद्ध लोक अदालत में चालान पेश किए हैं हमारे नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 2067 और 267 और 235 के अंतर्गत चालान प्रस्तुत किए हैं, और इसके अलावा मेले अवधि में भी हमने सुअर पकड़वाए थे, और कल से हम एक विशेष अभियान पकड़ा के चला के और सुअरों को पकड़वाएंगे और बाहर छुड़वाएंगे। लोगों का यह कहना है कि जो सुअर पालक है वो नगर पालिका या विभाग के कहीं कर्मचारी है, उसकी वजह से उनको संरक्षण मिल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही, इस बारे में क्या कहेंगे? यदि हमारे विभाग के हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, और यदि दूसरे विभाग के हैं तो दूसरे कर्मचारी को भी और विभाग को भी हम हमारी तरफ से लिखेंगे कि आप उन्हें पाबंद करें कि वो अपने जानवर खुले में नहीं छोड़े, और इनके लिए स्पेशली एक बाड़ा वगैरह बना के और उनमें इनको बंद रखें। पालिका अपने दावों पर कितना खरा उतरती है, कब धार्मिक नगरी को इस गंभीर समस्या से निजात मिलती है और कब अपने आप को जिम्मेदार कहने वाले जनप्रतिनिधियों की नींद उड़ती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्कर की छवि जरूर धूमिल हो रही है।